एक्चुअली में इस वॉक थ्रू और इस वाली मीटिंग में क्या होता है वो तो अभी जब हम जाएंगे तो ही पता लगेगा कि बिल्डर को लगेगा कि यार तुम इतने वो क्यों हो रहे हो यार, मतलब छोटी छोटी चीजों में पिन पॉइंट कर रहे हो गलतियां, ऐसा नहीं है। सो अभी हम मैकेनिकल रूम से होके आए हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्क्लोज नहीं किया था कि बिल्डर कौन है, तो हमारे बिल्डर जो हैं, मतलब हमें अपनी यूटिलिटी सेटअप कराने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, हम अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। Hey guys, welcome back to the channel. So, आज हम आ गए हैं अपनी प्रॉपर्टी में फिर से। सिर्फ पोजेशन में सिर्फ एक हफ्ता बचा है, तो यहाँ प्रोसेस ये होता है कि पोजेशन से ठीक एग्जैक्ट वन वीक पहले ये लोग एक प्री पोजेशन वॉक थ्रू करवाते हैं, राइट, ताकि ये आपको सारी चीजें समझा सकें कि प्रॉपर्टी में हर चीज क्या है, कैसी है, इस हर चीज को मैनेज कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, हर चीज का एक वॉक थ्रू होता है और साथ ही साथ एक तरीके की इंस्पेक्शन भी होती है ताकि आप भी देख लो कि यार कुछ भी आपको कमी पेशी लग रही है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज, वो आप नोट डाउन करो और इनको बता दो ताकि आइडियली मतलब आपके पोजेशन से पहले पहले ये वो सारी चीजें ठीक कर दें। सो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन टुडेज मीटिंग, जो जो भी इन्होंने हमें बताया था और हमने जो बाकी वीडियोस और बाकी लोगों से जो हमने पता किया है, तो ये है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट एक्चुअली में इस वॉक थ्रू और इस वाली मीटिंग में क्या होता है वो तो अभी जब हम जाएंगे तो ही पता लगेगा। तो बस अभी चलते हैं, देखते हैं और साथ साथ आपको भी बताते हैं। हम थोड़ा अपने टाइम से 10-15 मिनट जल्दी हैं, तो अब ये वॉक थ्रू के लिए क्लीन अप कर रहे हैं। Up and tested. Okay, we'll have four shelves. So आपको जहाँ पर भी कुछ भी छोटा मोटा चीज लग रही है उसको आप मार्क करते जाओ साथ, ताकि ये लोग देख लेंगे जो जो चीज ठीक करने वाली है। So that is what we are doing. If you see, यहाँ पे सारी टेपिंग कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे भी कुछ भी छोटा छोटा भी लगे ना, लाइक अगर इस फ्रेमिंग में यहाँ हल्का सा एक येलोइश निशान है तो वहाँ पर भी मार्क कर दिया है। जो एटिक का डोर है वी फेल्ट कि इट इज़ नॉट पेंटेड, यहाँ पे इसको सफाई करी है लेकिन पेंट नहीं करा, इसलिए वहाँ पर भी निशान लगा दिया है। जनरली ऐसी चीज़ें होती हैं ना इतनी छोटी छोटी दैट यू डोंट नोटिस, बट वही है कि ऐसी इंस्पेक्शन में यही चीज़ होती है कि आपको कुछ भी लग रहा है ना, जैसे इतने छोटे से छोटा भी अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि ये क्लीन नहीं है, फिनिश्ड लुक नहीं आ रहा, तो आपको मार्क करो। तो देखो कि इतनी सारी जगह पर हमने ब्लू टेपिंग लगा रखी है। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि यार कि बिल्डर को लगेगा कि यार तुम इतने वो क्यों हो रहे हो यार, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में पिन पॉइंट कर रहे हो गलतियाँ, ऐसा नहीं है। इसमें से कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे साथ जो हमें वॉक थ्रू दे रहे हैं, जो इंस्पेक्टर था, जो इनका जो मेन कॉन्ट्रैक्टर था, ही वॉज एक्चुअली पुटिंग सो मेनी टेप्स हिमसेल्फ। सो इवन दे एनकरेज यू कि नहीं, आपको छोटा सा रोड छोटा कुछ भी लग रहा है आप मार्क करो से, एंड वी विल गेट इट डन फॉर यू। फाइंडिंग समथिंग। सो अभी हम मैकेनिकल रूम से होके आए हैं, एंड मैकेनिकल रूम में यार इतनी इंफॉर्मेशन होती है ना, फर्नेस, HRV, एयर फिल्टर, कितना कुछ, कोई चीज़ें याद नहीं हो सकती, बट हाँ उसके लिए बुकलेट्स देंगे ताकि आपको याद रहे। ऑलराइट गाइस, तो हमारी ये वॉक थ्रू जो होना था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। पूरे 2 घंटे लगे हैं, इट वाज अ डिटेल्ड वॉक थ्रू। मतलब मुझे नहीं लगा था, इन्होंने एक्चुअली में टाइम स्लॉट 2 घंटे का ही बुक करा था, बट मुझे लगा था यार 2 घंटे क्या ही होएगा। लेकिन एक किसी भी घर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं यार, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, मतलब दे वेंट थ्रू एवरीथिंग, चाहे वो मैकेनिकल रूम जो पूरा है जिसमें फर्नेस हो गया, आपका ह्यूमिडिफायर हो गया, आपका एयर फिल्टरिंग हो गई, आपकी जो गैस पाइपलाइंस हैं वो हो गई, हर चीज़ मतलब दे वेंट थ्रू कि क्या है, किसका प्लग कौन सा है, किसको बंद कैसे करना है, इसको मैनेज कैसे करना है, इसको मेंटेन कैसे करना है, हर एक चीज़ उन्होंने बताई, राइट। बट हाँ, वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का डाउनलोड होता है विच इज़ ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फर्स्ट टाइम होम बायर, वो सारी चीज़ें समझना, राइट, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना यार ये चीज़ें क्या हैं, राइट। सो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, इसलिए उन्होंने हमें कहा कि घबराओ मत, सारी चीज़ें आपको अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से दोबारा से दिल गो थ्रू विद अस ऑन आर पोजेशन डेट। ऑल्सो जितनी भी सारी चीज़ें थी ना, जो फर्नेस मैं बता रहा हूँ, ह्यूमिडिफायर, जितने भी चीज़ें हैं उन सब पे दे विल बी पुटिंग
instructions या instructions वाला जो sticker होता है वो सारा लगा के जाएंगे वो. So thermostat के साथ भी उन्होंने काफी detailed walk through दिया ताकि along with recommendations and suggestions कि भाई summers हो तो ये कर लेना आप, winters हो तो ऐसे कर लेना आप, कि winters हैं तो ठीक है humidifiers को जो है वो बंद रखो क्योंकि already मतलब हवा में humidity होती है थोड़ी सी. फिर आप बाहर अगर टेम्परेचर -30 है और आपने अंदर ह्यूमिडिफायर ऑन कर रखा है आप और ह्यूमिड डाल रहे हो तो जो लकड़ी की जो चीज़ें हैं ऑब्वियसली फिर उसमें होता है ना ह्यूमिड थोड़ा पानी घुस जाता है तो वो चीज़ों को ख़राब कर सकता है. सो इस तरीके की छोटी छोटी जो सजेशंस होते हैं वो सारे भी उन्होंने हमें प्रोवाइड किया. एक्सप्लेनिंग की क्या है और क्यों है. बट ये था ऑन टॉकिंग अबाउट आवर बिल्डर. हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्क्लोज नहीं किया था कि बिल्डर कौन है. तो हमारे बिल्डर जो हैं दे आर कैलब्रिज होम्स राइट. सो हमारा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो राइट. आपका भी जो एक्सपीरियंस है वो बता देना. बट मेरा जो ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है वो ये है कि हमें तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हम जिस माइंडसेट से आए थे ना जब हमने होम बाइंग प्रोसेस शुरू किया था तो हमारा माइंडसेट ये था जो हमें मतलब एक होता इंप्रेशन होता है इंप्रेशन होता है राइट कि बिल्डर्स जनरली बहुत ही बिजनेस माइंडेड होते हैं और जो भी कम्युनिकेशन होती है बहुत ही ट्रांजैक्शनल होती है. कुछ भी मतलब एक ह्यूमन एलिमेंट थोड़ा कमी रहता है क्योंकि बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं. ऐसा हमारा माइंडसेट था बट ऐसा रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं था. स्पेशली विद दिस बिल्डर आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर्स आई कैन नॉट टॉक अबाउट अदर्स बट इन बिल्डर्स के साथ हमारा एक्सपीरियंस अमेजिंग था. मैं आपको शायद एक पिछली वीडियो में बता रहा था कि हमारे बिल्डर ने हमें कॉम्प्लीमेंट्री कंसियर्ज सर्विस प्रोवाइड करी है राइट विच इज़ सो गुड. क्योंकि एक होता ना आप घर में मूव कर रहे हो कि गार्बेज बॉक्सेस राइट वो अरेंज कराने हैं सिटी से, पोस्टल चेंज कराना है, अच्छा मूविंग करनी है, आपको अपनी यूटिलिटी सेटअप करानी है राइट, इलेक्ट्रिसिटी गैस पाइपलाइन राइट, इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी है राइट. बेस्ट पार्ट वॉज कि कैलब्रिज होम्स ने हमें कंसियर्ज सर्विस प्रोवाइड करी विच वॉज कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट. और उन कंसियर्ज सर्विसेज वालों ने ये सारी चीज़ें हमारे लिए करी. मतलब हमें अपनी यूटिलिटी सेटअप कराने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा राइट. दे वर द वंस हु वर सेटिंग इट अप फॉर अस. उन्होंने हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करी कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके प्रोवाइडर्स कौन कौन से होते हैं सबसे मतलब होता है ना कि बिकॉज दे आर डूइंग इट इन बल्क तो उनको थोड़ा एक बेटर डील्स भी मिल जाती है. तो वो सारी डील्स हमें सारी प्रोवाइड कर रहे थे कि ये है आप बताओ आपको कौन सा चूज़ करना है. हमारी जो जॉब था हमारा जॉब सिर्फ इतना था चूज़ करना कि अच्छा इलेक्ट्रिसिटी के ये चार प्रोवाइडर होते हैं ठीक है हमें ये डील अच्छी लग रही है हमें ये वाला करवा देना. द कंसियर्ज सर्विस वॉज सेटिंग इट अप फॉर अस. गार्बेज के लिए आपको सिटी ऑफ कैलगरी को रीच आउट करना पड़ता है हमें नहीं करना पड़ा. वाई कंसियर्ज सर्विस वॉज डूइंग इट फॉर अस. एंड जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि मूविंग में भी हेल्प कर रहे थे बिकॉज दे सेंट अस 30 बॉक्सेस बिग बॉक्सेस ऑफ प्लास्टिक कि आप अपना मूविंग के लिए भी उन बॉक्सेस में डालो सामान पैक करो मूविंग हो जाए तो रिटर्न कर दो. मूविंग जब हो जाएगी तो आप वो बॉक्सेस भी रिटर्न कर देना. सो सच एन अमेजिंग सर्विस. मुझे नहीं पता कि कितने बिल्डर्स प्रोवाइड करते हैं ये बट अमेजिंग था. मतलब इतना स्मूथ एक्सपीरियंस. अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. हम अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. सो आर बिल्डर इज कैलब्रिज होम्स. आई वुड से वी वर लकी टू फाइंड सच गुड पीपल क्योंकि हमारा रियल एस्टेट एजेंट बहुत ही अमेजिंग था मैक्स. तो अगर आपको रीच आउट करना है तो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बहुत नॉलेजेबल भी था वो. नॉलेजेबल एंड वेरी जेन्युइन राइट. हमारा जो बिल्डर की तरफ से जो सेल्स पर्सन था राइट उसका नाम था स्टीव. ही वॉज ऑल्सो वेरी नाइस. मतलब होता ना एक नाइस ह्यूमन बींग जो मतलब गुड लिसनिंग स्किल्स अच्छे से एकोमोडेट कर रहा है हर चीज़ अच्छे से बता रहा है वेरी नाइस. वो भी बहुत सही था. हमारा मोर्टगेज ब्रोकर भी अमेजिंग था. मतलब जो उसका पूरा मतलब ही वॉज वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड. एक होता ना कि हाँ ये करना है इसके बाद ये होना है इतने 5 दिन बाद मैं उनको ऐसी वाली ईमेल भेजूंगा जिसमें मैं उनको ये बताऊंगा. तो वेरी नॉलेजेबल वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड और बहुत ही अमेजिंग. उसका नाम था ह्यू. तो उनका भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आई ट्राई टू पुट इन द डिस्क्रिप्शन. कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है. कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है. हम आपको ऑनेस्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं. जब अच्छे लोग मिलते हैं सारा प्रोसेस स्मूथ होता है तो अपने आप ही ना एक स्ट्रेस नहीं रहता एंड आप अपने घर बाइंग उस पूरे प्रोसेस को एंजॉय कर पाते हो. करेक्ट राइट दैट्स ट्रू. और अब बस यही है कि अब क्योंकि पोजेशन में सिर्फ एक हफ्ता रह गया है सो थोड़ी सी शॉपिंग वाली चीज़ें हैं जो करनी रह गई हैं तो भी वो चलते हैं और वो करते हैं. सो अभी आ गए हैं हम सांझा पंजाब. ये थोड़ा पंजाबी स्टोर है. यहाँ से हमें थोड़ा सा मंदिर रिलेटेड सामान मिल जाएगा तो वही लेना है हमें.
इस वाले ग्रोसरी स्टोर में हम पहले भी आ चुके हैं, आई थिंक पूरी एक वीडियो भी बना चुके हैं, वीडियो का लिंक स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो अगर आपको वीडियो देखनी हो तो ये देख लेना कि ये यहाँ पे मतलब इंडियन ग्रोसरीज भी कितनी आसानी से मिल जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं, कई लोग पूछते हैं कैलगरी में मिल जाता है क्या इंडियन सामान, आराम से मिलता है, वीडियो देख लेना ये वाली। एक चीज़ तो मिल गई, अगरबत्ती। थोड़ा बहुत सामान तो मिल गया, अरे धूप इतनी तेज़ है, एक तो थोड़ा बहुत सामान मिल गया है लेकिन अभी और लेना बाकी है, और फिलहाल अभी हमें आइकिया भी जाना है, तो इसके बाद आइकिया चलते हैं और वहाँ मिलते हैं आपसे। नए घर में मूव करने का ना बेस्ट पार्ट ये वाला होता है, जब आप नई नई चीज़ों की शॉपिंग करते हो, सो एंड आइकिया इज़ एनीवेज आर फेवरेट प्लेस। आइकिया का ना एक ये वाले बेड आते हैं, रॉ वुड के हैं और ये स्टैक हो जाते हैं, सो दीज आर प्रीटी गुड फॉर अ गेस्ट रूम। इनका नाम है यू टेकर एंड दीज आर जस्ट $279 फॉर बोथ ऑफ देम। आइकिया ने ना अपने सोफ़ा वाली जो कलेक्शन है वो भी काफ़ी इम्प्रूव कर दी है, अब ऐसे सोफ़ा निकाले हैं जो थोड़े लगते हैं लग्जरी, मतलब एक कन्वेंशनल एक आइकिया प्रोडक्ट नहीं लगता ये, बिकॉज दे आर इंस्पायर्ड बाय सम डिज़ाइनर्स, और ये सेम डिज़ाइन का अगर आप जो ओरिजिनल सोफ़ा लोगे ना जिस भी डिज़ाइनर से इंस्पायर्ड है, दे आर अराउंड $6,000, बट आइकिया से लो तो इट्स जस्ट $2,700। एंड काफ़ी लोगों ने हमारी अपार्टमेंट टूर वाली वीडियो और पिछली वाली वीडियो में भी पूछा था कि आपका सोफ़ा बहुत अच्छा लग रहा है, कौन सा सोफ़ा है, तो वो आइकिया का फिनाला सोफ़ा है, ये जो पड़ा है ये सेक्शनल पड़ा है लेकिन हमारा सेक्शनल वाला नहीं है, लेकिन यही है फिनाला। आइकिया में आने का ना बस एक ही नुकसान होता है कि आप सोच के आते हो कि हाँ सिर्फ ये तीन चीज़ें लेनी है जो एसेंशियल है, जो एकदम अभी लेनी है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो ऑब्वियसली डेकोरेटिव तो आप बाद में लेते ही रहोगे, लेकिन आइकिया में प्रॉब्लम ये होती है कि आप फोकस नहीं रख सकते, आप डिस्ट्रैक्ट होते ही रहते हो, इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही होती है ना। ये आइकिया ने साउंड प्रूफिंग पैनल्स भी निकाले हैं जो अभी नहीं ले रहा हूँ मैं बिकॉज इट्स नॉट एन एसेंशियल, बट हाँ प्रॉब्ली ऑफिस वाले एरिया में जब जहाँ पर भी यूट्यूब वीडियो हम शूट करेंगे घर में, उस जगह पे आई थिंक आई विल पुट दिस। और फाइनली जिसके लिए हम आए हैं ना वो सामान ले लेते हैं, जैसे कि हमारे ब्लाइंड्स, मिरर और एक लैम्प। फाइनली एक दो घंटे बाद जाके हमारा सारा काम हो गया है, सारा अभी भी नहीं हुआ है, आइकिया होम डिपो इन सब के चक्कर लगते रहेंगे, लेकिन आज के लिए जो हमने करना था वो कर लिया है, बाकी आपसे अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में विच इज़ जस्ट आफ्टर 1 week, जो कि हमारा होगा पोजेशन डे, उसमें हम आपको दिखाएंगे अपना घर का एम्प्टी हाउस टूर, सो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।